आप बोलेंगे कैसे डांटेंगे आप मुझे, मैं डांटूंगा ऐसे कि आप बोलिए अपने बारे में कुछ बताइए। नहीं चलेगा। डू यू हैव योर रिज्यूमे? नहीं चलेगा। आपको इंटेलिजेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। यस सर, फाइन सर, आई डू हैव इट सर, यस सर, करेक्ट सर, आई नो सर, फाइन सर, ऐसा बोलना चाहिए। आपके घर कहाँ है? सर हैदराबाद। ऐसा मत बोलिए, आप हाथ से मुझे नहीं दिखाइए। आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन के बजाय आपको वर्बल इंफॉर्मेशन देना होगा। वेयर डू यू लिव? हैदराबाद सर। वेयर डू यू लिव? बैंगलोर सर। वेयर डू यू लिव? दिल्ली सर। सर दिल्ली, सर हैदराबाद, ऐसा मत बोलिए। सो आपको ये याद रखना चाहिए कि जब आप मेरे सामने रहेंगे, फर्स्ट थिंग थिंक एंड टॉक, सेकेंड थिंग बी सॉफ्ट बट बी फर्म। आप मुझसे सॉफ्टली बात कीजिए। मैं अगर आप ब्लू कलर शर्ट पहने हुए हैं तो मैं आपको ऐसा बोलूँगा, क्यों आपने रेड कलर शर्ट पहना हुआ है? हो सकता है कि आपका जवाब ऐसा होगा, सर ये रेड नहीं है, ये ब्लू है, क्या है आप, आपको दिख नहीं रहा है क्या? मैं ये टेस्ट करने के लिए आपसे ये सवाल पूछा कि आप इसका उत्तर कैसे देंगे। जब मैं गलती करूंगा और आप हंसेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और कॉर्पोरेट स्पीयर में आप काम करते हैं चार लोगों के सेंटर में। पहली बात तो यह है कि आप मैनेजमेंट की बैकिंग से काम करते हैं। दूसरी बात तो यह है कि आप क्लाइंट्स को एड्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर कोलीग्स एंड योर सप्लायर्स। और क्लाइंट तो ऐसे होते हैं कि हमेशा आपकी बात में उनका फायदा सोचेंगे। अगर आप बोलेंगे आप 1000 ऑर्डर देंगे तो मैं 20% कम कर दूंगा, तो वो चेक लिखेंगे, अच्छा ठीक है, और वो लिखेंगे 40% कम। तो आप बोलेंगे, सर क्या है ये, मैंने बोला कि आपको 20% कम दूंगा, आपने 40%। ऐसा मत बात कीजिए। इंटरव्यू में हम ये गेज करते हैं, आपने रेड कलर शर्ट पहना हुआ है, सॉरी सर मैं ब्लू कलर शर्ट पहना हुआ हूँ सर, काइंडली चेक। ऐसा आप बोलेंगे तो मुझे यकीन होगा कि मेरे क्लाइंट्स के साथ, मेरे सप्लायर्स के साथ, आपके कोलीग्स के साथ और मैनेजमेंट के साथ आप सही व्यवहार करेंगे, सही तरीके से आप अपने इश्यूज या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पेश करेंगे, ये मुझे चाहिए। तो बीच में मैंने आपको थोड़ा बहुत इंटरव्यू स्किल्स का नॉलेज भी दे रहा हूँ, क्योंकि आप इंग्लिश इसीलिए सीख रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से अपनी परचेजिंग पावर को बढ़ा सके। अगर आप बोलेंगे मुझे इंग्लिश सीखना है तो किसी ने मुझसे आके बोला, अरे आप तो बहुत चमक रहे हैं हर जगह पे, टीवी पे चमक रहे हैं, हर जगह पे आप चमक रहे हैं, लगता है ये इंग्लिश सीखने का फैशन हो गया है। मैंने उनको बोला, फैशन नहीं, गलत सोच रहे हैं आप, किसी को भी इंग्लिश सीखने का फैशन नहीं है, नेसेसिटी है। और इस नेसेसिटी के वजह से लोग यहाँ पे आते हैं, टीचर्स, बिजनेसमैन, स्कॉलर्स, हाउसवाइव्स, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर्स, सेलिब्रिटीज। नमस्कार, आप ये वीडियोस देखिए और मुफ्त में हिंदी से इंग्लिश आसानी से सीखिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।